आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम देखते हैं कि पीरियड के दौरान क्या होता है, अंडा कब रिलीज होता है, कौन से हार्मोन्स महत्वपूर्ण होते हैं इस रोल के लिए। अगर आप ये सब समझ पाएंगे तो आपके प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। सो, अगर आपका पीरियड यूजली 28 डे साइकिल है तो एक नॉर्मल साइकिल को 28 डेज माना जाता है। अगर आपका 29 है, 31 है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो 21 डे साइकिल भी अगर रहा ठीक है, 35 भी रहा तो भी ठीक है। सो 21 टू 25 डेज एवरेज में ठीक होता है, लेकिन रेगुलरली उस दौरान होना चाहिए सो दैट आपका पीरियड रेगुलर है। सोच सकते हैं इससे ओविलेशन यानी अंडा कब रिलीज हो रहा है कैलकुलेट करना ईजी होता है। तो पीरियड का पहला दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन, यानी जब आपका पीरियड शुरू होता है उसे साइकिल का पहला दिन कहा जाता है। उससे 5 दिन तक आपका पीरियड होता है तो उसे मेंस्ट्रुएशन ड्यूरेशन कहा जाता है, जब तक पीरियड होता है। यहाँ से डे 5 से डे 14 तक, 14 दिन तक, उसे फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। फॉलिकुलर फेज क्यों जब कहा जाता है मैं समझाती हूँ। 14th डे बहुत ज़रूरी होता है, इस दिन अंडा ओविलेट होता है यानी एग रिलीज होता है। सो, ये पीरियड के बीच में आप देख सकते हो और अंडा जब रिलीज होता है उसे ओविलेशन कहा जाता है। इसके बाद का जो फेज है उसे लूटियल फेज कहा जाता है, लूटियल फेज। सो ये 14 से पीरियड के नेक्स्ट दिन तक जो फेज होता है उसे लूटियल फेज कहा जाता है। इस दौरान एंडोमेट्रियम यानी गर्भ का जो लाइनिंग है वो तैयार हो रहा होता है। सो पहले फेज में क्या होता है, 14 दिन से पहले खूब सारे अंडे रेडी होते हैं कि ओविलेट होने के लिए, उनमें से एक ही रिलीज होता है और बाकी मर जाते हैं। सो ये हर महीना होता रहता है, एक अंडा रिलीज होता है, इसीलिए उसे फॉलिकुलर फेज कहा जाता है। फॉलिकल्स तैयार होते हैं उसमें से एक एग रिलीज होता है। अगले फेज में एंडोमेट्रियम तैयार हो रहा है, गर्भ तैयार हो रहा है, इसीलिए उसे ल्यूटियल फेज कहा जाता है। सो इस दौरान पहले 14 दिन में और बाद के 14 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उनके बारे में आज देखते हैं। सो सबसे पहला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजिन E2 कहा जाता है, फिर P4 यानी कि प्रोजेस्टेरोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो आप समझ गए, फॉलिकल्स को बढ़ाने वाला हार्मोन, ये पहले 14 दिन में रिलीज होता है और अक्सर 5वें दिन के बाद ज़्यादा होना शुरू होता है। इस दौरान आपके जो ओवरीज हैं उनमें अंडे तैयार होना शुरू होते हैं और 14वें दिन वो रिलीज होता है, एक ही अंडा रिलीज होता है। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडों को बड़ा करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के पिट्यूटरी नामक भाग से रिलीज होता है। इसका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंडे को रिलीज करता है, अगर ये LH ज़्यादा नहीं हुआ तो अंडा रिलीज नहीं होता है। सो, ये जान लीजिए कि जब फॉलिकल सेलेक्ट हो जाते हैं उसमें से एक रिलीज होने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल बहुत ज़रूरी है। ईस्ट्रोजन और FSH ये सारे एक साथ लगभग रिलीज होते हैं, अलग अलग फेजेस में अलग अलग रिलीज होते हैं। सो, ये जो ईस्ट्रोजिन है ये एग्स को बढ़ाने में, एग्स को मैच्योर करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जब अंडा रिलीज हो जाता है उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, जो चौथा हार्मोन मैंने आपको बताया, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन की वजह से एंडोमेट्रियम में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जो एम्ब्रियो तैयार होगा उसके लिए न्यूट्रिशन के लिए ये P4 बहुत ज़रूरी होता है, और P4 जब रिलीज होता है उसे ल्यूटियल फेज कहा जाता है। तो ये चारों हार्मोन रिलीज होने के बाद ही आपका साइकिल ठीक से रहता है। तो मैंने कहा 28 डे साइकिल नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपका पीरियड 21 डेज रहा या 35, 33, आपको घबराने की बात नहीं है, आपको उसको ट्रैक करना चाहिए, यानी कि 2-3 महीने उसे ऑब्जर्व कीजिए कि कितने दिन के बाद पीरियड आ रहा है। तो जब भी आपका पीरियड आ रहा होता है उसके 15 दिन पहले आप ओविलेट होते हो, यानी अंडा तब रिलीज होता है। अगर 33 डेज का है तो उसके -15 डेज कीजिए, अगर 29 डेज का है तो -15 डेज कीजिए। ये चाहे कितना भी ड्यूरेशन रहे अंडा तभी रिलीज होता है। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग में आसानी होगी। अंडा जब रिलीज होता है एक 24 आवर्स तक रह सकता है, उसके बाद वो डीजेनरेट हो जाता है, वो ट्यूब में आके वेट कर रहा होता है, और अगर वहाँ पे स्पर्म्स रहे तो फर्टिलाइजेशन होना ईजी होता है। सो ये तरीका है। और जब आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल यानी कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे हो, फर्टिलिटी ठीक है क्या, ये जानने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, इन वैल्यूज से अनुमान लगाते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या अंडा रिलीज नहीं हो रहा है, क्या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक नहीं है, क्या प्रोजेस्टेरोन ठीक नहीं है, इसकी वजह से अंडा तो रिलीज हो रहा है बट शायद गर्भ ठीक नहीं है इसलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ये सब हम ये टेस्ट के द्वारा, स्कैंस के द्वारा पता लगाते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।